दूर जाके क्या नाम है आपका और एमएस कॉलेज का जो शेड लगाया गया है क्या तकलीफें हो रही है उसके आप लोगों के और कहाँ कहाँ आप लोगों ने कंप्लेंट वगैरह कुछ किया है इसे? मेरा नाम अकबर शेख है और हम लोग नूरी हाउस बिल्डिंग में रहते हैं चांद नगर में। हमारे बाजू में एमएस कॉलेज है जो आए दिन बहुत परेशानियाँ दे रहा है, कभी पत्थर गिर रहा है कभी ईंट गिर रहा है। अभी जो है तकलीफ देने के लिए उसने ऐसा आड़ा शेड मारा है जो बिल्कुल इलीगल है, जिसकी वजह से हम जो कचरा और बारिश का पानी वगैरह वो सारा हमारे घर में सीधा घुसेगा खिड़की के ज़रिए से। अब उसको बोलने गए तो दादागिरी कर रहा है और अपनी पहचान दिखा रहा है और पुलिस का डर दिखा रहा है। इस तरीके से वो मामला हम लोगों के साथ कर रहा है, डरा धमका कर शेड डालने का। पहले तो हमारी जगह कब्जा कर रहा था, आगे तक शेड डाल के जब पुलिस वगैरह में टीएमसी में कंप्लेंट डाली गई तो भी वो रुका नहीं, डर नहीं उसको कानून व्यवस्था का, क्योंकि पता नहीं उसको क्या जोम है क्या उसको है कि वो कानून को मानता ही नहीं है शायद, इसलिए उसने वो जो इलीगल शेड को है थोड़ा से पीछे करके लेकिन डाला उसने। लेकिन उससे वो शेड से भी जितने रहवासी हैं हम लोग उन सबको तकलीफ है। शेड जो लगाया है उस शेड से आप लोगों को किस तरह की तकलीफ? वो शेड से ये तकलीफ है हमको कि उसने इस तरीके से लगाया। पहले बात तो वो इलीगल है, उसके पास परमिशन नहीं है। बोलता है परमिशन है। हमने पुलिस में जाके पूछा, टीएमसी में पूछा तो हमको बोला हमने कोई ऐसा परमिशन नहीं दिया। लेकिन वो पुलिस का बोल के बोलते परमिशन नहीं है। दूसरा ये कि जो बारिश का पानी गिरेगा उससे जो शोर होगा उससे हम सबकी नींद हराम हो जाएगी। पुलिस का परमिशन कैसा? इसमें मनपा परमिशन नहीं, हाँ थोड़ी परमिशन नहीं। वो बोल रहा है कि मेरे पास पुलिस का परमिशन है। हत्या के कल हम जब उसको रोकने गए यहाँ से अपने ग्राउंड से उसको मना किया तो बोलता है यहाँ पर दो हवलदार आके काम करा रहे मुमरा पुलिस से। इस तरीके से उसने हमको बयान दिया और डराया ताकि हम खामोश बैठ जाए। अब वो शेड से जो भी कचरा होगा जो इनके कॉलेज से और ऊपर से जो भी आएगा वो सीधा हमारे घर में, और जो बारिश का पानी होगा वो मुस्तकिल 4 महीना हमको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, सीधा हमारे घर में आएगा। वो बारिश इतनी तेज आती है कि बारिश वो सीधा पानी जो है हो सकता है कि वो शीशा तोड़ के हमारे घरों के अंदर आ जाए, इतना तेज पानी आता है। वो पाची शेड जो लगाया एकदम ऐसे क्रॉस लगाया हुआ है, इस तरीके से लगाया कि वो पानी जो है हमारे घर में आएगा डायरेक्ट। कचरा वगैरह तो ठीक है, वो कचरा जो भी है वो, लेकिन जो भी अगर ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ या पत्थर या सलिया कुछ भी जैसे जो गिरता है अक्सर गिरता है वो ऊपर से भी अगर कुछ गिरा तो वो डायरेक्ट हमारे घर में आएगा, सीधा हमारे घर में आएगा। हमारे घर में बच्चे हैं, बीमार हैं, उनके दायरे में। देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो आसपास की जो सोसाइटी होती है, आसपास के जो घर होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, उनको कंसिडर करके किया जाता है। अपनी मर्जी से कैसे भी करेंगे वैसा नहीं होता है। आप देख लीजिए कोई भी बिल्डिंग का पत्थर है तो कैसे होता है, वो पत्थर कैसे लगता है। कोई भी जो है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, जो बिल्डिंग का जैसे बनाते भी है म्यूनसिपैलिटी, अगर कोई बिल्डिंग भी बना रही है तो आने जाने का रास्ता, गली मोहल्ले इस तरीके से बनते हैं ना। ये बनाएंगे पत्रा जो इस तरीके से आप बनाओ, भले से हम नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा रखो कि वो जो भी पानी है वो अपने दायरे में गिरे, वो हमारे कंपाउंड में ना आए। जैसे परमिशन लेके बनाओ अगर वो परमिशन देते हैं तो, लेकिन ऐसा बनाओ जिससे किसी को भी तकलीफ नहीं हो। शेड जो लगा है, हाँ, अगर बारिश होती है या और भी कुछ कचरे विचरे गिरते हैं तो शेड के जरिए से डायरेक्ट आपके घर में खिड़की हमारी करीब है, सीधा इसमें पूरा आएगा, हत्ता कि हमारे घर में जाएगा, सीधा सीधा हमारे घर में जाएगा। कंप्लेंट वगैरह आपने कहां किया? हमने जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है सीनियर को, जो है सीनियर के नाम, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के नाम से, और हमने यहाँ पर अभी फिलहाल सहायक आयुक्त को दी है मुमरा प्रभाग समिति में, और थाने कलेक्टर, थाने कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर और भी दूसरी जगह के लिए हमने कंप्लेंट तैयार करके रखी है जो हम आने वाले जो है वक्त में देने वाले हैं। मुझे मेरा नाम मोइन कुरैशी है, मैं यहीं पे ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ। मुझे ये जानना है कि इनको ऐसा कौन सा परमिशन मिल गया है मनपा द्वारा जो ये तत्काल जो छुट्टी का दिन देखकर काम चालू किए हैं, शनिवार रविवार
और शुक्रवार आधे दिन से काम चालू हुआ है इनका। तीन दिन में ये लोग जो काम किए हैं, इन लोग ने सारा मतलब पहले से तय करके लेन देन करके काम हुआ है, क्योंकि इसमें ये सीधे तरीके से काम अगर परमिशन होता तो दिन में करते हैं। हाँ, के खिलाफ है आपको क्या, के लिए आपने बातचीत पहले एमएस कॉलेज के जो प्रबंधक, हम बातचीत करने गए तो हमें, हम जब बातचीत करने उनसे गए कि भैया आप ये जो शेड लगा रहे हो ये गलत है, इस तरीके से नहीं लगाया जाता है, तो वो हमसे सीधे कहता है कि अंदर पुलिस आके बैठी है, हम पुलिस के देख रेख में काम कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ है आप पुलिस में बोलिए। हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमने हमारी शिकायत दर्ज कराई, हमसे कहा गया कि ठीक है, हम उनको बोल दिए काम रोकने के लिए। फिर वहाँ से हम फिर सहायक के पास गए, सहायक अधिकारी जो यहाँ मनपा के हैं अनधिकृत बांधकाम के, उनसे मुलाकात करें, उनसे हमने बताया, उनसे हमने हमारा कंप्लेंट दिया, उसके बाद उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि नहीं हम काम बंद करने के लिए बोल देते हैं, बस हमें सिर्फ विश्वास दिला है, झूठा एक विश्वास दिला के वहाँ से भेज दिया गया। शेड अभी लग चुका है क्योंकि आज शनिवार है, महीने का दूसरा हफ्ता है, दूसरे हफ्ते का शनिवार है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें अधिकारी लोग जगह पर रहते नहीं हैं, उसका फ़ायदा उठाकर उसने ये काम कर लिया है। अब मुझे जानना यह है कि इनके पास पुलिस स्टेशन द्वारा जो यहाँ के निरीक्षक हैं उनके और जो अधिकारी हैं, इनको ऐसा कौन सा परमिशन मिल गया है या कौन सा दे दिए हैं कि जिससे उसने अपना ये काम पूरा कर लिया है। और मतलब पत्थर से ऊपर से पत्थर भी बहुत गिरते हैं, अब बहुत लोगों की तकलीफ है, बाकी लोग कोई बोलता नहीं है। शेड लगता है कि वो जो भी जो एकदम इतने नजदीक से नहीं लगता नहीं है, मतलब ही नहीं है वो शेड का, कोई मायने नहीं है वो शेड, सिर्फ परेशान करने और दादागिरी से डाला जा रहा है। नहीं, हम लोगों को डराया, धमकाया जा रहा है ना कि आपको जो करना आप कर लो। किसने डराया? ये जो कुछ बना रहे हैं, ये जो पता, मुझे नाम तो पता है नहीं, वो जिन्होंने जो ये बना रहे हैं शेड, तो एमएस कॉलेज के जिम्मेदार जो लोग हैं, तो वो हमको मतलब बोलते हैं कि आपको जो करना है आप कर लो, तो ये ऐसा नहीं होता है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इंसान जो है जो भी काम करता है, वो आप वो पत्रा लगा रहे हो जिससे हम लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे जो घर में बीमार है उनको, अभी जब बारिश शुरू हो जाएगी तो आप खुद सोचिए कैसा नज़ारा होगा, बारिश जो है ऐसे गिरेगी और पानी जो है सीधा हमारे घरों में आएगा, घरों में भी आएगा, मच्छर भी आएंगे और ऊपर से बच्चे बीमार हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल मुमरा पर जो है पुलिस में कंप्लेंट करने के बावजूद और मुमरा प्रभाग समिति सहायक आयुक्त को कंप्लेंट करने के बावजूद भी काम नहीं रुका, और काम आज अभी मुकम्मल हो गया है, मुकम्मल होने पर है। ये हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रशासन है, पुलिस और महानगर पालिका है, ये हम टैक्स भरने वाले जनता के साथ है या जो है इल्लीगल काम करने वालों के साथ है, इसका हमको जवाब चाहिए कि हम जनता कहाँ जाए। हम टैक्स भर के सब करके जो है हुकूमत का मान्य रखते हैं, हुकूमत को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके बाद इस पर जो है मुमरा पुलिस विभाग और मुमरा प्रभाग समिति विभाग के लोगों की जांच होनी चाहिए कि ये जो इल्लीगल काम करने वालों पर इन्होंने तकरार होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की, ये अधिकारियों की जांच होना ज़रूरी है। और यहाँ के प्रशासन को, पुलिस विभाग और जो है मुमरा प्रभाग समिति विभाग को करप्शन मुक्त करना चाहिए उच्च अधिकारियों को। जी।